दिवाली आ रही है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एनिमेशन में करैक्टर्स को डाल सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं करैक्टर्स के संबंधित वीडियो बनाएंगे, दिवाली की वीडियो बनाएंगे, तो उसमें करैक्टर डालने पड़ेंगे ना, तो मैं बताऊंगा रॉकेट्स को कैसे चलाते हैं। इसके लिए क्या पहले सबसे क्या करना है, पहले आपने शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो जरूर देखनी है, ताकि ये पूरी तरह आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कैसे चलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हम ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, सिंपल फिगर है, मैंने तेज़ की हुई है इसको, और जेकर आप धीरे देखना चाहते हैं तो इसको स्लो कर सकते हैं। इस तरह हम एक फिगर बना के उस पर ये रॉकेट की शेप देने की कोशिश करेंगे, राइट। इसको कलर देंगे ताजो ये रॉकेट की शेप लगे, बिल्कुल ऐसे लगे कि हमारा ये रॉकेट, यानी कि जो हम कहते हैं ना भी आतिशबाजी है, वो आतिशबाजी है एक तरह की, एक ठीक है ना। पहले हमने अबव जो तीन लेवल लिए हैं उनमें से जो फर्स्ट है उसको हमने एक कलर कलरेशन दे दिया है। और जो लेयर कॉपी की है उसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, राइट। और इसको नीचे ले आएंगे। इस तरह हम फ्रेंड्स हमारा रुक तैयार हो गया, परंतु हम इसको कलरेशन चेंज कर सकते हैं। जेकर अबव और नीचे जो पैटर्न है उसकी शेप चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं, एक को अप और कलर दे सकते हैं और नीचे वाले को और कलर दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल में, ठीक है, और की फ्रेम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ट्वींस लगानी है उसमें तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स बहुत ही इजी होती है, परंतु आप ध्यान से दिखा करो, शुरू से अंत तक जरूर देखा करो, थोड़ा सा देख के इसे अंदाजा नहीं हो जाता कि कैसी है, देखा भी करो और करके भी देखा करो इसको, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करके भी देखना आपने, फिर ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी भी कैसे हो गया, तभी आप कोई भी जो कार्टून हमारी बनाते हैं वो बना सकोगे दिवाली की संबंधित। जेकर आप चाहते हैं कि नीचे जो बड़ा दिखाई दे, ऊपर ऊपर जब रॉकेट जाएगा तो उसकी शेप छोटा होता जाएगा ना, तो उसको हम छोटा भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्लासिक ट्वीन लगानी पड़ेगी। इस तरह से फ्रेंड्स हम स्पार्क को बनाएंगे, हमारे जो स्पार्क है जो ऊपर जाके जब रॉकेट फटेगा तो एक फ्लावर सा बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको कॉपी कर लेंगे, इसको बना के पहले इसके जो छोटा पहले बड़ा होगा जब स्पार्क पड़ेगा फिर छोटा होता जाएगा स्पार्क। इस तरह से हम एनिमेट कर लेंगे ट्वीन लगा के, इसका छोटा कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से ये मोशन ट्वीन भी होगी और क्लासिक ट्वीन भी होगी, इसका साइज भी छोटा होता जाएगा और ये तो फ्रेंड्स अब जो हमारे पास ये हमारा स्पार्क है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो एक सर्कल बनाना है हमने इस स्पार्क का। जब भी हम रॉकेट्स देखते हैं ऊपर दिखते हैं ना, एक सर्कल सा बन जाता है, तो एक नेक्स्ट फ्रेम ले लेंगे, की फ्रेम लेंगे, उस पे जाके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले तो जीरो पे ला लो, जो फर्स्ट हमारा स्पार्क है उसे जीरो पे डाल लो, फिर जो सेकंड होगा उसको 15-15 डिग्री करके हम प्लस करते जाएंगे, तो इस तरह से 15-15 करके हमारा सर्कल है जो तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नीचे जो दिया गया है ना बटन प्लस का, तो उस पर जाके प्लस प्लस कर देना है, तो उसके साथ हमारे पास क्या होगा, जो कॉपी किया है वो उस प्लस प्लस होता जाएगा 15-15 डिग्री पे। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एक सर्कल तैयार हो गया, ठीक है। जब ये रॉकेट ऊपर जाके बस्ट होगा तो इस तरह की शेप सामने आ जाएगी हमारे,
ठीक है ना। अब हम एक एक छोड़ के जो स्पाइक है उसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसे हम ट्रांसफॉर्म और रोटेट करेंगे और साइज चेंज करेंगे, इसको 50% कर देंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाके हम इसे रोटेट एंड स्किप करना है 50% पे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्पार्क है ऊपर जाके जो बस्ट करेगा ना, जब वो वाला तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आपने इसे ब्यूटीफाई करना है और अच्छा बनाना है, तो इस तरह से हम ओवल लगा देते हैं इसकी, जहाँ पे ये जाके चलेगा ना, ट्वीन खत्म होगी वहाँ पे ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको भी ट्वीन लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये भी ऐसे लगे कि ये भी आगे को जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम आगे वो जरूर करेंगे, चेंजेस जरूर करेंगे, आप जहाँ तक आप भी कर सकते हैं, और इसे एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं।